How are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some question of NCERT exercise. In our previous lecture, we had to discuss question number 1 to question number 30. Today, we will discuss question number 14, question number 15, 16 and 17. Is it clear? Now, question number 14 is, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. First, 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. Second condition, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. So first condition mein keh rahe hai ki hamare paas ek circuit hai jisme 2 resistor connected hai और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम। सेकंड कंडीशन में सर्किट गिवन है, 2 रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, 2 रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर। और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है और जिसका वोल्टेज है 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और इसका 2 ओम है। कंडीशन मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेट ये करना है कि इस 2 ओम का जो रेजिस्टर है ये कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब ये कितना पावर यूज कर रहा है, ठीक है। और यहां पे इस सर्किट में ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट इट इज आर वन एंड इट इज आर टू। तो इसमें पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए या इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं कि इस फर्स्ट में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग आर वन प्लस आर टू, डेट इज इक्वल टू प्लस वन इज इक्वल टू 3 ओम। तो टोटल करंट कितना जाएगा 3 ओम, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगा। करंट सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी 6, आर इक्वल टू 3, डेट इज इक्वल टू एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। देन पावर कंजम्पशन कंज्यूम इन 2 ओम रेजिस्टर, मतलब इस 2 ओम की रेजिस्टर के पास कितना पावर कंजम्पशन है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर इन टू आर। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर P इज इक्वल टू V इन टू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R is equal to v square by r। तीन फॉर्मूले यूज करते हैं, इसमें से ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे i square into r, क्लियर। i का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर into 2, that is equal to 8 watt। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो 2 ओम का जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा 8 वॉट होगा, मतलब 8 जूल पर सेकंड एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। इन अ सेकंड कंडीशन द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल 1 बाय आर इज इक्वल 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2, क्योंकि यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 2, इसका वैल्यू है इट इज आर 1 और ये हमारा आर 2 हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू 12 एंड R2 का वैल्यू 2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 12 बन जाए 12 प्लस 6 2 जा 12, दैट इज इक्वल 7 बाय 12, कितना जाएगा 7 बाय 12। डायरेक्टली इसमें एनर्जी कंजम्पशन लगा देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके रेजिस्टेंस में पता है कितना है
टू है तो p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यूज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली द पावर कंज्यूम इन कंज्यूम इन टू ओम रेजिस्टर रेजिस्टर दैट इज इक्वल पी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर आर इसका वैल्यू कितना आर टू है तो वी स्क्वायर बाय आर टू वी स्क्वायर इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4 वोल्ट का है तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू, आर टू का वैल्यू है 2 तो 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 दैट इज इक्वल 8 ओम, मतलब दोनों कंडीशन में पावर एजम्पशन जो है या पावर कंज्यूम जो है वो कितना होगा सेम होगा, तो पावर यूज्ड इन पावर यूज्ड इन बोथ केस इज सेम, मतलब दोनों कंडीशन में पावर जितना यूज किया जा रहा है वो कितना है सेम है, यहां पे भी 8 वॉट है सॉरी यहां पे वॉट होगा यहां पे भी कितना है 8 वॉट है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नहीं क्वेश्चन नंबर 15, टू लैंप वन रेटेड इज 100 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड अदर 6 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉ व्हेन द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220, तो कह रहे हैं कि टोटल कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में वो फाइंड आउट करना है, तो दो बल्ब है, एक ये बल्ब हो गया और एक दूसरा बल्ब है, ठीक है, इसको हमने पैरेलल में कंबाइन किया है और इसके अक्रॉस एक सप्लाई मेंस कनेक्ट किया है 220 वोल्ट का, इसका रेटिंग है 220 और पावर दे रखा है 100 वॉट और 220 वोल्ट का रेटिंग इसका है और दूसरे का जो रेटिंग है ये हमारे पास दे रखा है 60 वॉट और 220 वोल्ट की रेटिंग है, तो कह रहे कि इस मेन सप्लाई से ये टोटल कितना करंट लेगा ये करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लेट आई वन करंट इज फ्लोइंग थ्रू this one and I2 current is flowing through second one, ठीक है, then the value of I1 calculate कर सकते हैं, we have given that power of first bulb is equal to 100 watt and voltage 220 इसका भी है 220 इसका भी है और मेंस का voltage भी कितना है 220 है, तो voltage V is equal to 220 ये सबके लिए क्या होगा same होगा, ठीक, then the power sorry current इन फर्स्ट बल्ब I1 इज इक्वल टू I1 का फॉर्मूला यूज करेंगे पावर के टर्म्स में, वी नो दैट P इज इक्वल टू V इनटू I, देन I इज इक्वल टू P अपॉन V, तो यहां पे करंट यूज करेंगे I इज इक्वल टू P1 अपॉन V दैट इज इक्वल 100 बाय 220 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 10 by 220, 2 से divide कर देंगे तो 5 by 11 ampere, मतलब first bulb में कितना current flow है 5 by 11 ampere का current flow है, second bulb में P2 second bulb का rating दे रखा है 60 watt voltage है 220 volt, then the current in second bulb या current flowing through सेकेंड वर्ल्ड इस तरीके से ले सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड वर्ल्ड, तो सेकेंड वर्ल्ड में करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू P2 बाय V, ये है P2 बाय V, P2 इज 60 बाय V, V इज 220, 0 से 0 कैंसिल 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाय 11 आ जाएगा, हां सॉरी किससे 2 से डिवाइड करना, हां 3 बाय 11 एंपियर ये होगा इस वाले वर्ल्ड में करंट, सर्किट में टोटल कितना करंट हो रहा है आई करंट, तो टोटल करंट इन सीरीज, तो टोटल करंट इन सर्किट आई इज इक्वल टू
I1 plus I2, क्या करेंगे I1 plus I2, एंड I1 plus I2 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू है 5/11 प्लस 3/11, दैट इज इक्वल 3 + 5 कितना जाएगा 8, तो 8/11 एम्पियर। तो एक तो ये मेथड था इसको सॉल्व करने का, सिंपल मेथड है, करंट मेथड यूज किया हमने, दूसरा हम पावर मेथड यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, देखेंगे कैसे होगा। तो टोटल पावर इन पैरेलल, टोटल पावर सबसे पहले निकालेंगे, टोटल पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, टोटल पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, दोनों बल्ब किसमें पैरेलल में कंबाइन किया गया है, तो टोटल पावर उधर P इज इक्वल टू P1 + P2, पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, टोटल पावर का P इज इक्वल टू P1 + P2, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पावर होता है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2, अगर सीरीज में कनेक्टेड होते तो टोटल पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे टोटल पावर P इज इक्वल टू P1 + P2, दैट इज इक्वल 100 प्लस इसका पावर है 60, तो 100 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 160 वॉट। तो टोटल पावर पता है, टोटल हमें वोल्टेज पता है, हम करंट निकाल सकते हैं, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू P/V, दैट इज इक्वल टू 160/220, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/11 एम्पीयर, तो टोटल करंट कितना होगा सर्किट में 8/11। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये वाला मेथड सिंपल है, वो वाला मेथड भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इट इज विच यूज दिस हाउ मच अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 hour और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट, क्योंकि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो पहला है, फर्स्ट है पावर ऑफ टीवी, पावर ऑफ टीवी, टीवी का पावर दे रखा है P1 इज इक्वल टू 250 वॉट, और टीवी को यूज करते हैं 1 hour के लिए, और टाइम P1 इज इक्वल टू 1 hour यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी, तो एनर्जी E1, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, नोट कर लेना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम्ड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो P1 इंटू T1, तो P1 है 250 इंटू T1 है 1 hour इज इक्वल टू 250 वॉट आवर, किसमें जाएगा यूनिट हो जाएगा इसका वॉट आवर्स, ये जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसमें यही रख देते हैं अभी। सेकेंड कंडीशन में पावर ऑफ टोस्टर, पावर ऑफ टोस्टर दे रखा है, डेट इज ये दे रखा आपका 1200 वॉट, और इसको यूज किया जाता है 10 मिनट के लिए, तो यह टाइम T2, पावर इसको P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू 1200 वॉट एंड T2 इज इक्वल टू 10 मिनट, इसको 10 मिनट तक यूज किए जा रहे हैं। तो 10 मिनट को हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 × 1/60 hours, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 hours, 1 मिनट में आवर्स कितना होता है 1/60 hours होता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 1/6 hours एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, दैट इज इक्वल E2 इज इक्वल टू P2 इनटू
P2, value of P2 is equal to 1200 into T2 is equal to 1 by 6 hours. That is, इस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200 वॉट आवर्स. मतलब टोस्टर जो है 10 मिनट में 200 वॉट आवर्स एनर्जी यूज कर रहा है. जो हमारी टीवी है वो 1 आवर्स में 250 वॉट आवर्स एनर्जी का अगर कंज्यूम कर रहा है. कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? टीवी. तो टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी. ठीक है, टीवी जो है मोर एनर्जी के तरह कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज सॉरी 17 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पीयर फ्रॉम द मेंस ऑफ मेंस फॉर 2 आवर्स. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर. मतलब किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. तो रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट मीन्स इट इज अ पावर, मतलब उसका पावर कितना है वो फाइंड आउट करना है. लेट इज इक्वल, लेट इज, तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 8 ओम. ये करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब करंट ले रहा है ये, I इज इक्वल टू 15 एम्पियर का करंट ले रहा है. तो कितने आवर्स तक यूज कर रहा है इसको? टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स. इसको 2 आवर्स तक के लिए हम यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सिंपल. ठीक, तो किस रेट से ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या किस रेट से वो एनर्जी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो फाइंड आउट करना है. तो रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी या कंजम्पशन एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू क्या? पावर. तो पावर पी इज इक्वल टू क्या जाएगा? एनर्जी. वी नो डेट एनर्जी, एनर्जी को इसी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू पी इंटू टी. वी नो डेट एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी. ठीक है, तो यहां से पी फाइंड आउट करेंगे तो पी इज इक्वल टू ई बाई टी. ई बाई टी रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ई बाई टी. तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. तो ई मीन्स हीट, कितना हीट डेवलप कर रहा है वो. तो हीट बाई टाइम. ठीक है, हीट कितना डेवलप कर रहा है? तो हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टी. ठीक है, यहां पे टी आवर्स में है और यहां पे टी किसमें होगा? सेकंड में होगा. किसमें होगा? सेकंड. इसको कितने आवर्स तक यूज किया गया है? 2 आवर्स तक यूज किया गया है. ठीक है, जब इसको 2 आवर्स तक यूज करेंगे तो 1 सेकंड में कितना एनर्जी करेगा? यहां पे टी भी आवर्स में, टी सी टी कैंसिल होगा तो आई स्क्वायर आर, डेट इज आई स्क्वायर आर, डेट इज आई स्क्वायर कितना? 15. तो 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना जाएगा? 8. 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8, दैट इज इक्वल, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 8 की 5 से, तो ये 40 कैरी 4, 8 टू जा 16 प्लस 4 कितना जाएगा? 20 कैरी 2, 8 टू जा 16 प्लस 2 कितना जाएगा? 18. तो 18 जूल पर सेकंड, 18 जूल पर सेकंड. मतलब इस रेट से वो एनर्जी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, या इस रेट से वो हीट हमारा डेवलप कर रहा है. तो 18 जूल पर सेकंड या इसका आंसर हो सकता है वॉट हो सकता है. क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ये हमारा न्यूमेरिकल जितने भी थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे. अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप. मतलब टंगस्टन का यूज ही क्यों किया जाता है फिलामेंट लैंप के लिए? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से अगर उसको हीटअप करते हैं तो ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होता. और मेल्ट नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट तक, ज्यादा टेम्परेचर तक अगर उसको हीटअप करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है और हीट प्रोड्यूस करता है. तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट
it does not melt at high temperature, it retain as much of heat generated, show that it become very hot and emit light. That is reason why tungsten is used in bulb filament. Next, second part, why are the conductor of electric heater, second part, why are the conductor of electric heating devices such as the broad toaster and electric iron made of alloy rather than a pure metal? यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, because alloy, resistance of alloy is much more than the pure metal. ठीक है, तो alloy का जो resistance होता है वो pure metal के comparison में बहुत ज़्यादा होता है, more होता है, इसीलिए वो ज़्यादा heat produce कर सकता है. तो alloy जो है वो metal के comparison में ज़्यादा heat produce करता है. Third, why is the series arrangement not used for domestic circuit? Series में domestic, जो हमारा domestic circuit होता है ये parallel होता है, ठीक ना, because parallel होने की वजह से क्या होता है कि हर equipment के across potential difference क्या होता है, same होता है. और जैसे हम कोई भी electrical instrument purchase करते हैं तो उसका rating लिखा होता है, जैसे 100 watt 220 volt, ठीक ना, जैसे अगर टीवी ले रहे हैं तो टीवी का भी रेटिंग लिखा होगा 250 वॉट और 220 वोल्ट. अगर एक 10 वॉट का बल्ब लेंगे तो भी उसका रेटिंग लिखा होगा 10 वॉट एंड 220 वोल्ट. तो घर में जो सप्लाई आती है हमारे वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है. जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सारे इक्विपमेंट को, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है कि सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है और 220 वोल्ट का होता है. इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220, इसके क्रॉस भी 220, इसके क्रॉस भी 220. तो सबके क्रॉस वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट ही रहता है, जिसके कारण सारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर पाता है. लेकिन अगर इसको सीरीज में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करने से जो 220 वोल्ट होगा ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहाँ पे हो सकता है इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 50 है, या हो सकता है इसके अक्रॉस 70 है. तो सबको वर्क करने के लिए कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए. लेकिन सीरीज में कंबाइन करेंगे तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. एक तो ये रीजन है. दूसरा रीजन है, अगर सीरीज में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूजेस मतलब जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है, तो इसके क्रॉस एक ही हम क्या लगाएंगे, की लगाएंगे. अगर इस की को अगर हम क्या करते हैं ऑफ कर देंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या जाएगा, ऑफ हो जाएगा. अब पैनल में क्या होता है, अलग अलग हम की यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक की यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक की यूज कर सकते हैं. अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ऑफ करना है तो इस वाली की को हम ऑफ कर देंगे, इसको और ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे. तो इसमें पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम ऑफ कर सकते हैं, सीरीज में हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ऑफ नहीं कर सकते. या कभी कभार क्या होता है, इसमें से कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट अगर क्या होता है खराब हो जाता है तो सारा का सारा जो लाइन है वो हमारा इंटरप्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है. तो दो रीजन है ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस तरीके से वेरी करता है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. इट मींस ए को अगर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो आर इंक्रीज होगा, ए को अगर इंक्रीज करेंगे तो आर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. दैट इज रीजन. तो लिखेंगे आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to its cross-sectional area. Next, why are the copper and aluminium very usually employed for electricity transmission? Because the conductivity of copper and aluminium is very high. तो copper and aluminium की जो conductivity होती है वो बहुत high होती है. और we can say the resistance of copper and aluminium wire is very low. तो रेजिस्टेंस लो अगर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा करंट पास कर सकता है विदाउट लॉस ऑफ मच एनर्जी, ठीक है. तो ये यूज हो सकता है. दूसरा इसका रीजन हो सकता है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये आपका बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, जिसके कारण ये हर जगह अवेलेबल हो सकता है और हर कोई इसको परचेस कर सकता है. जैसे अगर गोल्ड का अगर वायरिंग कर देते हैं या सिल्वर का कर देते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर की कंडक्टिविटी भी हाई है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा गोल्ड है और
सिल्वर है, दोनों ही एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, इसलिए हम गोल्ड या कॉपर, गोल्ड या सिल्वर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कॉपर एल्यूमिनियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इट्स कंडक्टिविटी इज मच मोर देन अदर कंडक्टर। एंड सेकेंड रीजन इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज चीप मेटल। थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आज फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।